स्वागत है आपका मंथली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं प्रश्न। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? ए 500, बी 1000, सी 718, डी 2000। आंसर सी 718। एक्सप्लेनेशन। भारत में पहली बार हिम तेंदुए की आबादी का आकलन 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया है। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या 718 है। सबसे अधिक लद्दाख 477 में, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू और कश्मीर में हैं। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? ए उदय कोटक, बी अनिल अंबानी, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी सतनाम सिंह संधू। आंसर डी सतनाम सिंह संधू। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतनाम सिंह संधू को संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सतनाम सिंह संधू ने 2001 में मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज FCGC की स्थापना की। वही साल 2012 में उन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न। हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ए संजीव जोशी, बी अमिताभ घोष, सी अनिल चौहान, डी अजीत डोभाल। आंसर ए संजीव जोशी। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी CEO संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर लॉन्च की। पिछले कई वर्षों में जोशी द्वारा लिखित ये पुस्तक 75 कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। आंसर बी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL ने प्रति वर्ष 1 मिलियन टन क्षमता तक ग्रीन हाइड्रोजन और डेरिवेटिव ग्रीन अमोनिया ग्रीन मेथनॉल के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता किया है। ये समझौता अगले 5 वर्षों के लिए किया गया है और लगभग 80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगला प्रश्न। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता? ए सौरभ चौधरी, बी दिव्यांश सिंह पनवार, सी अर्जुन बाबुता, डी मोहित बंसल। आंसर बी दिव्यांश सिंह पनवार। एक्सप्लेनेशन। भारत के दिव्यांश सिंह पनवार ने काहिरा में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। ओलंपियन दिव्यांश सिंह पनवार ने क्वालिफिकेशन राउंड में 632.4 के स्कोर के साथ टॉप पर रहे। वहीं भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने महिला वर्ग में रजत पदक जीता। आम चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए पूर्ण बजट, बी लेखानुदान बजट, सी अनुपूरक बजट, डी अंतरिम बजट। आंसर डी अंतरिम बजट। एक्सप्लेनेशन। आम चुनाव से पहले बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश कर दिया। अगला प्रश्न। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफे के पीछे क्या कारण था? ए उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत खो दिया, बी उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, सी उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने गिरफ्तार किया था, डी उन्हें उनकी पार्टी द्वारा पद छोड़ने के लिए कहा गया था। आंसर सी उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने गिरफ्तार किया था। एक्सप्लेनेशन। भूमि घोटाले में ईडी द्वारा पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। झामुमो के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की जगह नए CM होंगे। अगला प्रश्न। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? ए रक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। आंसर ए रक्षा मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। ये छठा मौका था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल का अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट के प्राप्त डॉक्यूमेंट के अनुसार रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख रुपए करोड़ के साथ सबसे अधिक आवंटन दिया गया है। इसके बाद 2.78 लाख रुपए करोड़ के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? ए राजस्थान, बी
हरियाणा। सी उत्तर प्रदेश। डी मध्य प्रदेश। आंसर सी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य से फाइलेरिया को खत्म करने के मिशन के हिस्से के रूप में एक वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है। यह अभियान 5 से 15 फरवरी तक चलाया जाएगा। यह अभियान प्रदेश के 17 जिलों में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न: किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ए रॉजर बिन्नी, बी जय शाह, सी सौरव गांगुली, डी कपिल देव। आंसर बी जय शाह। एक्सप्लेनेशन: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बाली में ACC की वार्षिक आम बैठक में यह फैसला लिया गया। शाह अपने कार्यकाल के दौरान अंडर 19 फॉर्मेट के महिला T20 एशिया कप और इमर्जिंग एशिया कप का सफल आयोजन कराया। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में की गई थी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? ए आर्द्रभूमि और आर्थिक विकास, बी आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन, सी आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, डी आर्द्रभूमि और सतत उपयोग। आंसर सी आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। एक्सप्लेनेशन: विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये हमारे पर्यावरण में आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने का दिन है। 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 80 हो गई। अगला प्रश्न: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? ए GDP का 3.5%, बी GDP का 6.0%, सी GDP का 5.1%, डी GDP का 4.5%। आंसर सी GDP का 5.1%। एक्सप्लेनेशन: 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP के 5.1% पर लक्षित है, जो 2023-24 में GDP के 5.8% के संशोधित अनुमान से कम है। वित्त वर्ष 25-26 तक 4.5% तक पहुंचने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न: किस भुगतान बैंक को नियामक मानदंडों के उल्लंघन और गैर अनुपालन के लिए RBI से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा? ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बी फिनो पेमेंट्स बैंक, सी जियो पेमेंट्स बैंक, डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आंसर डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। एक्सप्लेनेशन: RBI ने मार्च 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियामक मानदंडों के उल्लंघन और लगातार गैर अनुपालन के बारे में चिंताओं के कारण कार्रवाई की गई। अगला प्रश्न: केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ए 3 करोड़, बी 3.5 करोड़, सी 4 करोड़, डी 4.5 करोड़। आंसर ए 3 करोड़। एक्सप्लेनेशन: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में स्वयं सहायता समूह के तहत लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना की सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्लम्बिंग, LED बल्ब बनाने और ड्रोन के संचालन और उनकी मरम्मत जैसे कौशल से प्रशिक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न: झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए हेमंत सोरेन, बी चंपई सोरेन, सी अर्जुन मुंडा, डी दिकुराम सोरेन। आंसर बी चंपई सोरेन। एक्सप्लेनेशन: झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने हेमंत सोरेन का स्थान लिया, जिन्हें हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ED ने एक केस में गिरफ्तार किया था। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने राजभवन में चंपई सोरेन को पद की शपथ दिलाई। सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ए नोएडा, बी फरीदाबाद, सी गाजियाबाद, डी गुड़गांव। आंसर बी फरीदाबाद। एक्सप्लेनेशन: 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 कला, संस्कृति और विरासत का एक जीवंत उत्सव है, जिसका उद्घाटन 2 फरवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। यह मनमोहक मेला सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है। सूरजकुंड नाम का हिंदी में अनुवाद सूर्य की झील है, जो 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक जलाशय है। अगला प्रश्न: उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? ए रंजना प्रकाश देसाई, बी विमल सक्सेना, सी विनय रावत, डी साक्षी खंडूरी। आंसर ए रंजना प्रकाश देसाई। एक्सप्लेनेशन: उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC कमेटी की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को UCC की अंतिम रिपोर्ट सौंपी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार 5 फरवरी को इसके संबंध में विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी। अगला प्रश्न:
भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहां किया जाएगा? ए पठानकोट, बी इंदौर, सी श्रीनगर, डी जैसलमेर। आंसर डी जैसलमेर। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वायुसेना 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन करेगी। वायु शक्ति अभ्यास का अंतिम संस्करण 16 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। वायुसेना की इस एक्सरसाइज में इस वर्ष स्वदेशी विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमान भाग लेंगे। अगला प्रश्न, किस राज्य में स्मार्ट पॉलिसी के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? ए पंजाब, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। आंसर सी उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने स्मार्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है। पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हरिद्वार में पुलिस सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर से गश्त करेगी। ये स्कूटर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा दान में दिए गए हैं। उत्तराखंड हिमालय से घिरा उत्तरी भारतीय राज्य है। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया था? ए श्रीलंका, बी वेस्ट इंडीज, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर बी वेस्ट इंडीज। एक्सप्लेनेशन, भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट शतक वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू मैच में लगाया था। यशस्वी जायसवाल ने विशाखापत्तनम में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के दूसरे टेस्ट के पहले दिन अपने करियर का दूसरा शतक बनाया। उन्होंने 209 रनों की पारी खेली, जो उनका टेस्ट में सर्वोच्च स्कोर भी है। पहले टेस्ट मैच में जीत के साथ इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे है। हाल ही में कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? ए यूएई, बी साउथ अफ्रीका, सी रूस, डी जापान। आंसर डी जापान। एक्सप्लेनेशन, जापान के फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालक टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी टेपको ने वित्त वर्ष 2024 में संयंत्र से लगभग 54,600 टन परमाणु दूषित पानी को समुद्र में छोड़ने की योजना बनाई है। रिपोर्ट के अनुसार इसे 1 अप्रैल 2024 से शुरू कर 31 मार्च 2025 तक 7 चरणों में प्रशांत महासागर में छोड़े जाने की योजना है। अगला प्रश्न, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए वाराणसी, बी जयपुर, सी लखनऊ, डी पटना। आंसर सी लखनऊ। एक्सप्लेनेशन, 12 फरवरी से 16 फरवरी 2024 तक लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट LPDM का आयोजन किया जाएगा। इस बार इस मीट की मेजबानी रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा किया जाएगा। LPDM की केंद्रीय समन्वय समिति ने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी RPF को सौंपी है। अगला प्रश्न, इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 30 जनवरी, बी 31 जनवरी, सी 1 फरवरी, डी 2 फरवरी। आंसर सी 1 फरवरी। एक्सप्लेनेशन, भारत में इंडियन कोस्ट गार्ड डे यानी भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस के मनाए जाने का उद्देश्य तटरक्षक बल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। 18 अगस्त 1978 को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? ए सूरत हवाई अड्डा, बी जोरहाट हवाई अड्डा, सी बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, डी डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा। आंसर ए सूरत हवाई अड्डा। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। पिछले दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत हवाई अड्डे पर 353 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने जनजातीय आबादी का समर्थन करने के लिए LABHA योजना शुरू करने की घोषणा की है? ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी झारखंड। आंसर बी उड़ीसा। एक्सप्लेनेशन, उड़ीसा में लगभग 1 करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने लाभ योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। LABHA लघु बाल जात्य द्रव्य क्रय का संक्षिप्त रूप है। लघु वन उपज MFP के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP है। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ए ओलेग कोनोनेंको, बी स्कॉट केली, सी एंड्रू मॉर्गन, डी क्रिस्टीना कोच। आंसर
ए ओलेग कोनोनेंको। एक्सप्लेनेशन। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ओलेग कोनोनेंको ने हमवतन गैनेडी पडलका द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ओलेग कोनोनेंको ने पहली बार साल 2008 में पहली स्पेस यात्रा की थी। अगला प्रश्न। फरवरी 2024 में लालकृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ए परमवीर चक्र, बी भारत रत्न, सी पद्म विभूषण, डी पद्म भूषण। आंसर बी भारत रत्न। एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। अगला प्रश्न। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? ए गगनयात्री, बी एस्ट्रोनॉटिला, सी व्योममित, डी व्योमनॉट। आंसर सी व्योममित। एक्सप्लेनेशन। महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित इस वर्ष की तीसरी तिमाही में इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। जीवन समर्थन, संचार और अंतरिक्ष यान का परीक्षण करके व्योममित्र भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुगम यात्रा सुनिश्चित करेगा। अगला प्रश्न। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इंदु मल्होत्रा, बीरूमा पाल, सी हिमा कोहली, डी ऋतु बाहरी। आंसर डी ऋतु बाहरी। एक्सप्लेनेशन। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को शपथ दिलाई। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी का स्थान लिया। पिछले साल अक्टूबर में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ए पुर्तगाल, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी इटली। आंसर सी फ्रांस। एक्सप्लेनेशन। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने हाल ही में घोषणा की है कि UPI उपयोगकर्ता अब पेरिस में एफिल टॉवर के लिए टिकट खरीद सकते हैं। फ्रांस भारत से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। इसके लिए NIPL ने फ्रांस की लायरा ई कॉमर्स से साझेदारी की है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने साल 2016 में UPI को लॉन्च किया था। किस प्रमुख भारतीय संगीतकार जो फ्यूजन बैंड शक्ति का हिस्सा है ने अपने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता? ए हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति, बी सोनू निगम और श्रेया घोषाल, सी शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, डी ए आर रहमान और लता मंगेशकर। आंसर सी शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। एक्सप्लेनेशन। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति ने अपनी नवीनतम रिलीज दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ए बिहार, बी गोवा, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। आंसर बी गोवा। एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया, जो देश के ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्रीन एनर्जी स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के 4000 से अधिक प्रतिनिधियों सहित 35000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? ए पटना, बी हैदराबाद, सी जयपुर, डी वाराणसी। आंसर बी हैदराबाद। एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 100,000 प्राचीन शिलालेख रखे जाएंगे। अगला प्रश्न। नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? ए अनुराग ठाकुर, बी एस जयशंकर, सी ज्योतिरादित्य सिंधिया, डी धर्मेंद्र प्रधान। आंसर डी धर्मेंद्र प्रधान। एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 प्रतिभागियों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय और विभिन्न संगठनों के 100 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी काठमांडू, सी कोलंबो, डी ढाका।
आंसर ए नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और श्री खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक आयोजित की जा रही है। बिम्स्टेक की स्थापना साल 1997 में की गई थी। इस ग्रुप में 7 बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड देश शामिल है। फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम क्या है? ए भारत अनाज, बी भारत एसेंशियल्स, सी भारत राइस, डी भारत भोजन। आंसर सी भारत राइस। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली में भारत राइस ब्रांड लॉन्च किया। चावल 5 किलो और 10 किलो के पैक में 29 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर उपलब्ध होगा। अगला प्रश्न, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। ए निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना, बी सभी विषयों के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुरू करें, सी परीक्षा का कठिनाई स्तर बढ़ाएं, डी सार्वजनिक परीक्षाओं की संख्या कम करें। आंसर ए निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना। एक्सप्लेनेशन, 6 फरवरी 2024 को लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित करके निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सार्वजनिक परीक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया। इस विधेयक के अंतर्गत परीक्षा में धांधली होने पर 3 से 10 साल तक की सजा तथा 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस विधेयक के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर शमनीय होंगे तथा इन पर कोई जमानत नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न, भारत सरकार भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी क्यों कर रही है? ए सीमा पार व्यापार को सुविधाजनक बनाना, बी वन्य जीव तस्करी को रोकने के लिए, सी सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, डी उग्रवाद और तस्करी पर अंकुश लगाना। आंसर डी उग्रवाद और तस्करी पर अंकुश लगाना। एक्सप्लेनेशन, भारत सरकार ने हाल ही में संपूर्ण 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में उग्रवाद, तस्करी और नशीली दवाओं के व्यापार पर अंकुश लगाना है। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही FMR का व्यवस्था है, जो दोनों तरफ के लोगों को बिना दस्तावेजों के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, अनुभवी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राकेश चौरसिया कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? ए हारमोनियम, बी बांसुरी, सी तबला, डी सितार। आंसर बी बांसुरी। एक्सप्लेनेशन, विश्वविख्यात बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के भतीजे पंडित राकेश चौरसिया ने अपने सहयोगी एल्बम आज वी स्पीक के लिए लॉस एंजलिस अमेरिका में 66वें प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद्य यंत्र और सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणियों में दोहरी ग्रैमी पुरस्कार जीते। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय हस्ती को UAE का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? ए आनंद कुमार, बी प्रशांत किशोर, सी मनोज वाजपेयी, डी पंकज त्रिपाठी। आंसर ए आनंद कुमार। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान और संजय दत्त जैसे भारतीय हस्तियों को यह विशेष वीजा मिल चुका है। ये पात्र लोगों को लंबे समय तक दुबई में रहने और काम करने की अनुमति देता है। चाहे आप निवेशक हों, व्यवसाय के मालिक हों, कुशल कर्मचारी हों, छात्र हों या सेवानिवृत्त हों, ये कार्यक्रम एक सुनहरे टिकट की तरह है। आनंद साल 2002 में पटना में अपना सुपर 30 प्रोग्राम चला रहे हैं। साल 2023 में उन्हें भारत सरकार द्वारा 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही है? ए QR कोड स्कैनिंग, बी चेहरे की पहचान, सी सैटेलाइट आधारित GPS, डी RFID प्रौद्योगिकी। आंसर सी सैटेलाइट आधारित GPS। एक्सप्लेनेशन, सरकार की योजना राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह आधारित GPS टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की है। नई टोल संग्रह प्रणाली वाहन नंबर प्लेट पहचान का उपयोग करके सीधे बैंक खातों से टोल शुल्क काट लेगी। अगला प्रश्न, गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेंगे? ए मार्क फिलिप्स, बी बोरिस जॉनसन, सी ऋषि सुनक, डी जस्टिन ट्रूडो। आंसर ए मार्क फिलिप्स। एक्सप्लेनेशन, गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स 6 से 11 फरवरी 2024 तक भारत की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। अगला प्रश्न,
आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? ए 6.75%, बी 6.5%, सी 6.25%, डी 6.0%। आंसर बी 6.5%। एक्सप्लेनेशन, आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई एमपीसी के सभी 6 सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया। वहीं फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा गया। फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान भी 5.4% पर बरकरार रखा गया है। अगला प्रश्न, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए थाईलैंड, बी मालदीव, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर डी ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस सम्मेलन का थीम स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। आंसर बी उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यूसीसी का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनों को मानकीकृत करना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए री जस्टिस न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए बैंकों के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाना, बी ऑपरेटिंग बैंक दरें निर्धारित करने के लिए, सी उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करना, डी बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। आंसर डी बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। एक्सप्लेनेशन, रेपो शब्द रिपर्चेजिंग ऑप्शन या रिपर्चेजिंग एग्रीमेंट से बना है। रेपो दर उस ब्याज दर को दर्शाती है जिस पर कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी और बॉन्ड को गिरवी रखकर आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं। वर्तमान में आरबीआई ने इस दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। ये दर आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके इस्तेमाल कर आरबीआई देश में कैश फ्लो और मुद्रास्फीति यानी महंगाई को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ए कृषि, बी पत्रकारिता, सी चिकित्सा, डी अभिनय। आंसर ए कृषि। एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की है। भारत रत्न एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए लंदन, बी दुबई, सी पेरिस, डी नई दिल्ली। आंसर बी दुबई। एक्सप्लेनेशन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में 12-14 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 25 से अधिक देशों के प्रमुख या प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस वर्ष भारत, तुर्की और कतर को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत की ओर से पीएम मोदी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इस वर्ष का थीम भविष्य की सरकारों को आकार देना है। अगला प्रश्न, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? ए मोहम्मद हामिद अंसारी, बी अमिताभ कांत, सी रामनाथ कोविंद, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। आंसर सी रामनाथ कोविंद। एक्सप्लेनेशन, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले आरपीआई और आम आदमी पार्टी आप के सदस्यों के साथ एक परामर्श बैठक की। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ए सृजन पोर्टल, बी सारथी पोर्टल, सी रक्षक पोर्टल, डी साथी पोर्टल। आंसर बी सारथी पोर्टल। एक्सप्लेनेशन, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 भी लॉन्च किया गया। आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
ए आधुनिक तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का जश्न मनाना, सी शहरी कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, डी भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। आंसर, डी भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। एक्सप्लेनेशन, आदि महोत्सव 2024 एक वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव अपने जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध उत्सव को प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये 10 से 18 फरवरी 2024 तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न, कौन भारतीय प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मामलों और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं? ए नरेंद्र मोदी, बी चौधरी चरण सिंह, सी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डी पीवी नरसिम्हा राव। आंसर, बी चौधरी चरण सिंह। एक्सप्लेनेशन, चौधरी चरण सिंह भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री और पांचवें प्रधानमंत्री थे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री जैसे पदों पर भी कार्यरत रहे। हाल में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? ए स्मृति ईरानी, बी चौधरी चरण सिंह, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी पीयूष गोयल। आंसर, सी धर्मेंद्र प्रधान। एक्सप्लेनेशन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में एचसीएल विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत नवोदय विद्यालय के उन छात्रों को मदद मिलेगी जो गरीब परिवार से आते हैं तथा जिन्होंने आईआईटी तथा एनआईटी संस्थानों में दाखिला पाने में सफल हुए हैं। पहली बार में इस छात्रवृत्ति के तहत जवाहर नवोदय स्कूलों के 70 छात्र छात्राओं को 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है? ए पीवी नरसिम्हा राव, बी इंद्र कुमार गुजराल, सी मनमोहन सिंह, डी चौधरी चरण सिंह। आंसर, ए पीवी नरसिम्हा राव। एक्सप्लेनेशन, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है। उन्हीं के शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार हुआ था। सुधारों के इस नए मॉडल को सामान्यतः उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल LPG मॉडल के रूप में जाना जाता है। हाल में पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है? ए एतिहाद एयरवेज, बी सैमसंग, सी टाटा ग्रुप, डी कतर एयरवेज। आंसर, ए एतिहाद एयरवेज। एक्सप्लेनेशन, चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने IPL 2024 से पहले ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। CSK के आयोजनों, प्लेटफार्मों सहित खिलाड़ियों की जर्सी पर एतिहाद लोगो प्रदर्शित होगा। वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? ए 319, बी 419, सी 519, डी 619। आंसर, सी 519। एक्सप्लेनेशन, क्षेत्रीय स्तर पर हवाई संपर्क योजना RCS पूरे देश का आम नागरिक के तहत अब तक देश भर में 519 एयर रूट का संचालन किया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत 2 जलीय हवाई अड्डों और 9 हेलीपोर्ट सहित 76 हवाई अड्डों का संचालन किया जा रहा है। इस योजना को साल 2016 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए अगरतला, बी पटना, सी जयपुर, डी लखनऊ। आंसर, ए अगरतला। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय दिव्यांग जन वित्त और विकास निगम NDFDC के तहत दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन अगरतला त्रिपुरा में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 6 से 11 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी अगरतला है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए टेस्ला, बी मेटा, सी गूगल, डी माइक्रोसॉफ्ट। आंसर, सी गूगल। एक्सप्लेनेशन, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में गूगल के पुणे कार्यालय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अगला प्रश्न, भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी
श्रीलंका। डी पाकिस्तान। आंसर बी बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन, भारत को मेजबान बांग्लादेश के साथ सैफ महिला अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। मैच के दौरान विवाद के बाद दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। अगला प्रश्न, विश्व दलहन दिवस 2024 का विषय क्या है? ए दालें, मिट्टी और लोगों को पोषण देने वाली। बी स्थायी भविष्य के लिए दालें। सी स्थायी कृषि खाद्य प्रणालियों को प्राप्त करने में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए दालें। डी लवपुल्स। आंसर ए दालें, मिट्टी और लोगों को पोषण देने वाली। एक्सप्लेनेशन, दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 2024 का विषय दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोगों को पोषण देने वाली है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? ए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, बी इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा, सी प्रगति मैदान नई दिल्ली, डी त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली। आंसर सी प्रगति मैदान नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 10 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पुस्तक मेले का विषय बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा है। इस वर्ष सऊदी अरब सम्मानित अतिथि होगा। अगला प्रश्न, ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? ए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, बी एसेंशियल प्रोविडेंट फंड ऑब्लिगेशन, सी इकोनॉमिक प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल ओवरसाइट, डी एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस। आंसर ए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेनेशन, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ भारत के वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए लाभदायक निवेशों में से एक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि के तहत निर्धारित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। इस योजना के तहत लोगों को भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा संबंधी लाभ दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, 11 फरवरी 2024 को आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल में कौन विजयी हुआ? ए लुका नार्दी, बी प्रजनेश गुणेश्वरन, सी रोजर फेडरर, डी सुमित नागल। आंसर डी सुमित नागल। एक्सप्लेनेशन, सुमित नागल ने 11 फरवरी 2024 को टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल जीता, जो उनका 5वां चैलेंजर खिताब था। नागल ने फाइनल में इटली के लुका नार्दी को 6-1 और 6-4 के स्कोर से हराकर जीत हासिल की। अगला प्रश्न, 2024 अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी दक्षिण अफ्रीका। आंसर बी ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, ऑस्ट्रेलिया ने 11 फरवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में फाइनल में भारत को 79 रनों से हराकर अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? ए विशाखापत्तनम, बी चेन्नई, सी भुवनेश्वर, डी हैदराबाद। आंसर डी हैदराबाद। एक्सप्लेनेशन, संगीत नाटक अकादमी द्वारा अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 12 फरवरी को इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही भारत कला मंडपम ऑडिटोरियम का भी शिलान्यास किया गया। कतर में भारतीय नौसेना कर्मियों को हिरासत में लेने का क्या कारण था? ए अवैध आप्रवासन, बी नशीली दवाओं की तस्करी, सी आतंकवाद, डी जासूसी। आंसर डी जासूसी। एक्सप्लेनेशन, एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि में कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया है, जिन्हें जासूसी के आरोप में खाड़ी देश में हिरासत में लिया गया था। इन दिग्गजों को अगस्त 2022 से हिरासत में रखा गया था। अगला प्रश्न, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? ए राजनाथ सिंह, बी द्रौपदी मुर्मू, सी एस जयशंकर, डी नरेंद्र मोदी। आंसर डी नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना पर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएगा। सोलर पैनल लगाने की योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान की थी। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 11 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 13 फरवरी, डी 14 फरवरी। आंसर बी 12 फरवरी।
एक्सप्लेनेशन। भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 18 फरवरी तक चलने वाले उत्पादकता सप्ताह की भी शुरुआत हुई। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त इकाई के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 11 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 13 फरवरी, डी 14 फरवरी। आंसर सी 13 फरवरी। एक्सप्लेनेशन, भारत में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार सरोजिनी नायडू की 145वीं जयंती मनाई जा रही है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? ए फीफा, बी रिलायंस फाउंडेशन, सी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, डी में से कोई नहीं। आंसर ए फीफा। एक्सप्लेनेशन, देश में स्कूल स्तर पर फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के साथ समझौता किया। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से देश भर में 11 लाख फुटबॉल वितरित करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 फरवरी को फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत ओडिशा के 17 जिलों के 1,260 स्कूलों में फुटबॉल का वितरण किया था। कौन सा शहर विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू कर रहा है? ए दुबई, बी टोक्यो, सी न्यूयॉर्क, डी सिंगापुर। आंसर ए दुबई। एक्सप्लेनेशन, दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते से दुबई में शहर व्यापी इलेक्ट्रिक एरियल टैक्सी सेवा और वर्टिपोर्ट नेटवर्क की तैनाती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अगला प्रश्न, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है जिसे राज्य के बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी केरल, डी तमिलनाडु। आंसर बी ओडिशा। एक्सप्लेनेशन, ओडिशा राज्य सरकार ने हाल ही में गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया। ओडिशा जैव विविधता बोर्ड के अनुसार यह क्षेत्र 608 जीव प्रजातियों का निवास स्थल है। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ओडिशा के कोरापुट जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में ताजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी मेघालय। आंसर सी असम। एक्सप्लेनेशन, असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने घोषणा की कि काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। ये नींबू की किस्म का एक फल है। काजी नेमू को पहले ही GI टैग मिल चुका है। पिछले 2 वर्षों में इस फल को मध्य पूर्व सहित कई देशों में निर्यात किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी ओडिशा। आंसर डी ओडिशा। एक्सप्लेनेशन, ओडिशा राज्य सरकार ने नई सरकारी योजना स्वयं के तहत राज्य के युवाओं को 1,00,000 रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत पूरा खर्च राज्य उठाएगी। इस योजना के तहत राज्य के 18-35 वर्ष तक के युवा पात्र होंगे। इसके तहत 2 वर्षों में 672 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न, भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? ए मिनिकॉय, बी अगत्ती, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी ए और बी दोनों। एक्सप्लेनेशन, भारत सरकार ने लक्षद्वीप के अगत्ती और मिनिकॉय द्वीपों पर अपने नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 और 5 मार्च को मिनिकॉय में इसका उद्घाटन करेंगे। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है। मिनिकॉय द्वीप 9 डिग्री चैनल पर स्थित है। मिनिकॉय द्वीप मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूर है। अबू धाबी में BAPS मंदिर का क्या महत्व है? ए यह एक आधुनिक वास्तुशिल्प चमत्कार है, बी यह मध्य पूर्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, सी यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है, डी ये भारतीय समुदाय में एकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। आंसर सी यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। एक्सप्लेनेशन, अबू धाबी में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS हिंदू मंदिर ने महंत स्वामी महाराज के नेतृत्व में 14 फरवरी 2024 को अपनी मूर्तियों के अभिषेक का जश्न मनाया। यह मंदिर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतरधार्मिक समझ और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। अबू धाबी में BAPS मंदिर मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है।
अगला प्रश्न, कोची हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय क्या बनाता है? ए पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा, बी किसी हवाई अड्डे पर सबसे बड़ा हाइड्रोजन संयंत्र, सी किसी हवाई अड्डे में सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संयंत्र, डी किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। आंसर, डी किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। एक्सप्लेनेशन, इस परियोजना को किसी हवाई अड्डे पर दुनिया के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। BPCL कोची हवाई अड्डे पर एकीकृत ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र और ईंधन स्टेशन स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा, जबकि CIL भूमि, जल और हरित ऊर्जा संसाधनों में योगदान देगा। अगला प्रश्न, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ए निरंजन शाह, बी राहुल द्रविड़, सी कपिल देव, डी जय शाह। आंसर, ए निरंजन शाह। एक्सप्लेनेशन, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्रिकेट प्रशासक और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। निरंजन शाह ने 1965 से 1975 तक 12 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे और वह BCCI के पूर्व सचिव भी रहे हैं। ये गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम है। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए गिरिराज सिंह, बी नंद किशोर यादव, सी तेजस्वी यादव, डी जीतन राम मांझी। आंसर, बी नंद किशोर यादव। एक्सप्लेनेशन, भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। राज्य विधानसभा की विशेष बैठक में चुनाव की प्रक्रिया के बाद उनको अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव नए अध्यक्ष के साथ आसन तक गए। अगला प्रश्न, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए पटना, बी गुवाहाटी, सी वाराणसी, डी जयपुर। आंसर, बी गुवाहाटी। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शीर्ष उद्योगपति और शिक्षाविदों सहित 1000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? ए योजना में प्रस्तावित संशोधन, बी सरकार से और जानकारी मांगी, सी योजना को अमान्य कर दिया, डी इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा। आंसर, सी योजना को अमान्य कर दिया। एक्सप्लेनेशन, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को अमान्य कर दिया है। 5 न्यायाधीशों की पीठ वाली अदालत ने 15 फरवरी 2024 को घोषणा की कि यह योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। पूरा मामला राजनीतिक दलों को गुप्त तरीके से चंदा देने की अनुमति वाले इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से जुड़ा है। अगला प्रश्न, 2024 T20 विश्व कप कहां आयोजित होने वाला है? ए कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका, बी दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे, सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, डी भारत और श्रीलंका। आंसर, ए कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका। एक्सप्लेनेशन, 2024 T20 विश्व कप 1 जून से 29 जून तक कैरेबियन और USA में होगा, जिसमें 20 टीमें शामिल होंगी। टूर्नामेंट अपने 9वें संस्करण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 स्थानों और कैरेबियन में 6 स्थानों का उपयोग करेगा। रोहित शर्मा आगामी 2024 T20 विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। अगला प्रश्न, IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ए आलोक सिन्हा, बी संजय कुमार जैन, सी राजीव प्रसाद सिंह, डी अलक पांडे। आंसर, बी संजय कुमार जैन। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। संजय जैन एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट CA रहे हैं। उन्होंने इससे पहले मुंबई के मंडल रेल प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? ए नई दिल्ली, बी वाराणसी, सी हरिद्वार, डी देहरादून। आंसर, डी देहरादून। एक्सप्लेनेशन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का देहरादून में अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित थे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को पदभार संभाला था। अगला प्रश्न, हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहां स्थित थी? ए प्रशांत महासागर, बी उत्तरी सागर, सी बाल्टिक सागर, डी भूमध्य सागर। आंसर, सी बाल्टिक सागर। एक्सप्लेनेशन, शोधकर्ताओं को बाल्टिक सागर में 21 मीटर की गहराई पर जर्मन तट के पास एक पत्थर की दीवार मिली है।
ये दीवार 10,000 वर्ष से अधिक पुरानी मानव निर्मित संरचना हो सकती है। इसमें लगभग 1,700 पत्थर हैं, जिनमें अधिकतर टेनिस और फुटबॉल के आकार के हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि दीवार का निर्माण शिकार के उद्देश्य से किया गया था। लगभग 8,500 वर्ष पहले इस क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, जिससे ये शुष्क भूमि से जलमग्न भूमि में परिवर्तित हो गई थी। हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? ए तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी राजस्थान। आंसर: ए तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। कोमुरावेली गांव प्रसिद्ध कोमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हर साल 4 अलग अलग राज्यों से लगभग 25 लाख लोग मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। अगला प्रश्न: रविचंद्रन अश्विन से पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? ए जहीर खान, बी अनिल कुंबले, सी हरभजन सिंह, डी जवागल श्रीनाथ। आंसर: बी अनिल कुंबले। एक्सप्लेनेशन: रविचंद्रन अश्विन ने 16 फरवरी 2024 को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में अपना 500वां टेस्ट विकेट हासिल किया। दूसरे दिन के अंतिम सत्र में जैक क्रॉली को अश्विन ने आउट कर दिया, जिससे अश्विन अनिल कुंबले के बाद टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए। अगला प्रश्न: साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस IIT द्वारा किया गया? ए IIT वाराणसी, बी IIT दिल्ली, सी IIT जम्मू, डी IIT मुंबई। आंसर: सी IIT जम्मू। एक्सप्लेनेशन: IIT जम्मू के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर करण नाथानी ने साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का निर्माण किया है। यह अपनी तरह का पहला प्रणाली है और साउंड टेक्नोलॉजी पर आधारित नई तकनीक है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम की लागत लगभग 4 लाख रुपए है। अगला प्रश्न: किस केंद्रीय मंत्री ने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी एस जयशंकर, सी पीयूष गोयल, डी अनुराग सिंह ठाकुर। आंसर: डी अनुराग सिंह ठाकुर। एक्सप्लेनेशन: सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी इंडिया द्वारा ब्रॉडकास्ट और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आयोजित 28वें सम्मेलन में BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत प्रसारण क्षेत्र का केंद्र बनने जा रहा है। अगला प्रश्न: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ए 25,000 रुपये, बी 30,000 रुपये, सी 35,000 रुपये, डी 40,000 रुपये। आंसर: ए 25,000 रुपये। एक्सप्लेनेशन: उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान में पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की। इस अप्रैल से प्रति लाभार्थी सालाना अनुदान को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। साल 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग की एक प्रमुख पहल है। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? ए नीति आयोग, बी वर्ल्ड बैंक, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक, डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आंसर: बी वर्ल्ड बैंक। एक्सप्लेनेशन: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में सिक्किम इंस्पायर पहल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम प्रशिक्षण और रोजगार पहल के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। अगला प्रश्न: PM मोदी किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? ए असम, बी मेघालय, सी बिहार, डी नागालैंड। आंसर: ए असम। एक्सप्लेनेशन: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस साल मार्च के पहले सप्ताह के दौरान जोरहाट असम में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। प्रसिद्ध अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बरफुकन की सैन्य प्रतिभा और अटूट नेतृत्व क्षमता को मान्यता देते हुए हर साल 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन है? ए सौरव गांगुली, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा, डी एमएस धोनी। आंसर: सी रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल करते हुए पूर्व दिग्गज भारतीय कप्तान खिलाड़ी एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। रोहित करियर का 212वां लगाते ही यह उपलब्धि हासिल की। धोनी के कुल 211 छक्के हैं। इसके बाद विराट कोहली का नंबर आता है। अगला प्रश्न: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? ए अभिनव मुकुंद शर्मा, बी विनय कुमार सिंह, सी चरणजोत सिंह नंदा, डी रंजीत कुमार अग्रवाल। आंसर:
डी रंजीत कुमार अग्रवाल। एक्सप्लेनेशन: चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की शीर्ष संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICI ने रंजीत कुमार अग्रवाल और चरणजोत सिंह नंदा को क्रमशः संस्थान का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना है। रंजीत कुमार ICI के 72वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। अगला प्रश्न: इरिडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए IIT भुवनेश्वर, बी IIT मुंबई, सी IIT दिल्ली, डी IIT वाराणसी। आंसर: ए IIT भुवनेश्वर। एक्सप्लेनेशन: भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरिडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT भुवनेश्वर के साथ एक समझौता किया है। इरिडा एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? ए थाईलैंड, बी भारत, सी इंडोनेशिया, डी चीन। आंसर: बी भारत। एक्सप्लेनेशन: भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने 18 फरवरी 2024 को मलेशिया के शाह आलम में सेतिया सिटी कन्वेंशन सेंटर में फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न: उपग्रह इनसेट 3DS का उद्देश्य क्या है? ए संचार, बी अंतरिक्ष अन्वेषण, सी मौसम संबंधी अवलोकन, डी पृथ्वी अवलोकन। आंसर: सी मौसम संबंधी अवलोकन। एक्सप्लेनेशन: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी को इतिहास रचते हुए सैटेलाइट इनसैट 3DS को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इस सैटेलाइट का वजन 2274 किलोग्राम है और इसका उपयोग अर्थ साइंस, मौसम विज्ञान, सर्च एंड रेस्क्यू और ओशन टेक्नोलॉजी को सेवा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। ये सैटेलाइट GSLV-MK2 रॉकेट से लॉन्च किया गया, जो उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में तैनात हो गया। अगला प्रश्न: 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए गुलजार, बी जगत गुरु रामभद्राचार्य, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर: सी ए और बी दोनों। एक्सप्लेनेशन: उर्दू के लिए मशहूर गीतकार गुलजार और संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ सम्मान दिया जाएगा। जहां जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत भाषा और वेद पुराण के प्रकांड विद्वान हैं, वहीं गुलजार तमाम फिल्मों में गीत लिखने के अलावा गजल और कविता के क्षेत्र में मशहूर हैं। वर्ष 1965 से भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। संस्कृत भाषा को 2वीं बार और उर्दू के लिए 5वीं बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला प्रश्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। आंसर: ए उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री ने संभल उत्तर प्रदेश में हिंदू तीर्थ स्थल श्री कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। भगवान कल्कि को प्रभु विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। श्री कल्कि धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें 5 वर्ष का समय लगेगा। अगला प्रश्न: भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका, डी इंग्लैंड। आंसर: डी इंग्लैंड। एक्सप्लेनेशन: भारतीय टीम ने राजकोट में खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर 434 रनों की शानदार जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया है। टेस्ट फॉर्मेट में यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत रनों के हिसाब से है। इससे पहले साल 2021 में वानखेड़े में न्यूजीलैंड को भारत ने 372 रनों से हराया था। ये इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट में रनों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी हार है। हाल ही में किस जैन मुनि आचार्य जी ने शरीर त्याग दिया और ब्रह्मलीन हो गए? ए श्री विद्यासागर महाराज, बी श्री अश्विन महाराज, सी श्री कृपाल महाराज, डी श्री भद्राचार्य महाराज। आंसर: ए श्री विद्यासागर महाराज। एक्सप्लेनेशन: प्रसिद्ध जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में डोगरगढ़ के चंदगिरी में सलेखना विधि से अन्न जल त्याग कर शनिवार देर रात अपना शरीर त्याग दिया और ब्रह्मलीन हो गए। 11 फरवरी को आचार्य विद्यासागर महाराज को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्रह्मांड के देवता के तौर पर सम्मानित किया गया था। आचार्य विद्यासागर महाराज का जन्म कर्नाटक के बेलगांव के सदलगा गांव में 1946 में शरद पूर्णिमा के दिन 10 अक्टूबर को हुआ था। अगला प्रश्न: पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, बी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय। आंसर: बी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय।
एक्सप्लेनेशन। पीएम विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो ने किस कार्यक्रम की घोषणा की है? ए नया विज्ञानी कार्यक्रम, बी सवेरा विज्ञानी कार्यक्रम, सी युवा विज्ञानी कार्यक्रम, डी वर्तमान विज्ञानी कार्यक्रम। आंसर सी युवा विज्ञानी कार्यक्रम। एक्सप्लेनेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा स्कूली विद्यार्थियों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसका मकसद अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवीन रुझानों में युवा विद्यार्थियों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर घाटी में किस ईंधन की पहली ट्रेन का शुभारंभ करेंगे? ए इलेक्ट्रिक ट्रेन, बी कोयला ट्रेन, सी पेट्रोल ट्रेन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए इलेक्ट्रिक ट्रेन। एक्सप्लेनेशन, पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में रेल इंफ्रा का विस्तार करते हुए श्रीनगर से संगलदान स्टेशन के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। ये कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है। इस ट्रेन को लॉन्च होने से घाटी में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अन्य राज्यों के साथ घाटी की सांस्कृतिक विरासत का भी आदान प्रदान होगा। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ए अगरतला, बी दिसपुर, सी शिलोंग, डी गुवाहाटी। आंसर डी गुवाहाटी। एक्सप्लेनेशन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का उद्घाटन समारोह 19 फरवरी को गुवाहाटी के सरुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ, जबकि समापन समारोह 29 फरवरी को होगा। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी उड़ीसा में आयोजित 2020 उद्घाटन संस्करण में KIUG की विजेता थी। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? ए ऑपरेशन ट्राइडेंट, बी ऑपरेशन ट्रोपेक्स, सी मिलन, डी वरुण व्यायाम करें। आंसर सी मिलन। एक्सप्लेनेशन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 फरवरी 2024 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। मिलन 2024 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें भाग लेने वाली नौसेनाओं के 2000 से अधिक कर्मी शामिल हैं। अगला प्रश्न, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए संबलपुर, बी भुवनेश्वर, सी चेन्नई, डी पटना। आंसर ए संबलपुर। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर SIC का उद्घाटन ओडिशा के संबलपुर में किया। इस कार्यक्रम के बाद ओडिशा में आगामी कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन अनुगुल, भद्रक, ढेंकनाल, तालचेर और देवगढ़ में किया जाना है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? ए कतर, बी माल्टा, सी अल्बानिया, डी चिली। आंसर बी माल्टा। एक्सप्लेनेशन, मध्य भूमध्य सागरीय देश माल्टा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 119वें देश के रूप में माल्टा का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय माल्टा के स्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटजार ने नई दिल्ली में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। ISA की स्थापना साल 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी नेपाल। आंसर डी नेपाल। एक्सप्लेनेशन, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित 19 देश भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 2 सप्ताह तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया? ए नरेंद्र मोदी, बी मनोज सिन्हा, सी अमित शाह, डी बनवारीलाल पुरोहित। आंसर ए नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 4 से बढ़कर 12 हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि MBBS सीटें 500 से बढ़कर 1300 हो गई है। पहले फेज में 750 बेड की व्यवस्था की जा रही है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा नंबर क्या है? ए 112, बी 100, सी 181, डी 108। आंसर ए 112। एक्सप्लेनेशन: केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान लगभग 1180 करोड़ रुपए की कुल लागत पर महिला सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 21 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS 2.0। अगला प्रश्न: रायसीना डायलॉग क्या है? ए सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाला एक खेल आयोजन, बी भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन, सी नई दिल्ली में एक संगीत समारोह, डी एक साहित्यिक पुरस्कार समारोह। आंसर बी भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन। एक्सप्लेनेशन: रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण 21 से 23 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली, भारत में शुरू हुआ। ये प्रतिष्ठित सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हुए भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर चर्चा के लिए भारत के प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। रायसीना डायलॉग के 2024 संस्करण थीम चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण है। अगला प्रश्न: 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ए जयपुर, बी पटना, सी चंडीगढ़, डी वाराणसी। आंसर सी चंडीगढ़। एक्सप्लेनेशन: 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया। इसका आयोजन 17 फरवरी से 21 फरवरी तक टैगोर थिएटर में किया गया। अगला प्रश्न: मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? ए गुरु रंधावा, बी युवराज सिंह, सी हरभजन सिंह, डी शुभमन गिल। आंसर शुभमन गिल। एक्सप्लेनेशन: भारत के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए राज्य आइकॉन के रूप में नामित किया है। पिछले साल अक्टूबर में भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया था। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, आमिर खान और मैरी कॉम जैसे दिग्गज नेशनल आइकॉन रह चुके हैं। अगला प्रश्न: उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए ग्रेटर नोएडा, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी लखनऊ। आंसर ए ग्रेटर नोएडा। एक्सप्लेनेशन: अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में 22 फरवरी से किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय एक्सपो में 120 से अधिक भारतीय शहरों के ट्रैवल एजेंट भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब इस आयोजन के लिए प्रीमियम भागीदार देश है, जबकि मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड भागीदार देश हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पहल किसके साथ शुरू की है? ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी आयुष मंत्रालय, डी बी और सी दोनों। आंसर सी आयुष मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर एक संयुक्त पहल की शुरुआत की है। आयुर्वेदिक उपचारों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की संयुक्त राष्ट्रीय स्तर की परियोजना से 20,000 से अधिक आदिवासी छात्रों को लाभ होगा। इस पहल का लक्ष्य देश के 14 राज्यों में चिन्हित 55 EMRS में 6 से 12 कक्षा में नामांकित 10 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को कवर करना है। अगला प्रश्न: केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अमिताभ कांत, बी AS राजीव, सी अलोक कुमार सिन्हा, डी अभिषेक बैनर्जी। आंसर बी AS राजीव। एक्सप्लेनेशन: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने AS राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। राजीव वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र KMD और CEO है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है, जिसे 1964 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न: 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए कोलंबो, बी दुबई, सी ढाका, डी काठमांडू। आंसर ए कोलंबो। एक्सप्लेनेशन: 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में किया जाएगा। 3 दिवसीय यह महोत्सव 1 मार्च से शुरू होगा। यह महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के वित्तीय सहयोग से आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न: तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी IPL 2024 से बाहर हो गए हैं, वह किस टीम से खेलते हैं? ए राजस्थान रॉयल्स, बी मुंबई इंडियंस, सी दिल्ली कैपिटल्स, डी गुजरात टाइटंस।
आंसर डी गुजरात टाइटंस। एक्सप्लेनेशन, भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बाएं टखने की चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो गए हैं। मोहम्मद शमी को आईपीएल 2022 मेगा नीलामी में गुजरात टाइटंस ने 6.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। मोहम्मद शमी ने 2022 में 20 विकेट और आईपीएल 2023 में और भी दमदार प्रदर्शन करते हुए 28 विकेट लिए थे। अगला प्रश्न, किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? ए आईआईटी गुवाहाटी, बी आईआईटी वाराणसी, सी आईआईटी मुंबई, डी आईआईटी दिल्ली। आंसर ए आईआईटी गुवाहाटी। एक्सप्लेनेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने प्रधानमंत्री की नमो ड्रोन दीदी पहल के अनुरूप भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया है। ये ट्रेनिंग सेंटर आरसी हॉबीटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले ब्रांड एडुराडे के सहयोग से लॉन्च किया गया। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? ए आर्टेमिस, बी ओडिसियस, सी ओडिसी, डी अपोलो 11। आंसर बी ओडिसियस। एक्सप्लेनेशन, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का रोबोटिक स्पेस एयरक्राफ्ट लैंडर ओडिसियस 23 फरवरी 2024 को चंद्रमा की सतह पर उतरा। संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित अंतरिक्ष यान ओडिसियस ने 15 फरवरी 2024 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया था। 1972 में आखिरी अपोलो मिशन के बाद लगभग 52 साल बाद अमेरिका का रोबोटिक स्पेस एयरक्राफ्ट लैंडर चांद की सतह पर उतरा है। अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ए रविचंद्रन अश्विन, बी जसप्रीत बुमराह, सी कुलदीप यादव, डी रविंद्र जडेजा। आंसर ए रविचंद्रन अश्विन। एक्सप्लेनेशन, रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले कोई भी भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट तक नहीं पहुंचा था। आपको बताते चले कि हाल ही अश्विन ने अपने 500 टेस्ट विकेट पूरे किए हैं। अश्विन इंग्लैंड और भारत के बीच हुए टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज है। इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ जेम्स एंडरसन 145 विकेट है। अगला प्रश्न, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ए अहमदाबाद, बी चेन्नई, सी वाराणसी, डी विशाखापत्तनम। आंसर डी विशाखापत्तनम। एक्सप्लेनेशन, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है। इस प्लांट का निर्माण आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अच्युतपुरम मंडल के पुदीमतका में 1200 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इसके तहत हर दिन 1200 टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य है। 2070 तक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन भारत के लिए प्रमुख साधन है। अगला प्रश्न, चौथी खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए श्रीनगर, बी मनाली, सी गुलमर्ग, डी शिमला। आंसर सी गुलमर्ग। एक्सप्लेनेशन, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निसित प्रमाणिक भी उपस्थित थे। इस खेल प्रतियोगिता में 20 राज्यों के लगभग 1000 एथलीट भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी ओडिशा, डी उत्तर प्रदेश। आंसर सी ओडिशा। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सत्तारूढ़ बीजेडी के देबाशीष सामंतरे और सुभाशीष खुंटिया को ओडिशा से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया। संसद के उच्च सदन राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। इस बीच 56 सीटों में से 41 सीटों पर नेता निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्विरोध चुने गए नेताओं में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आदि शामिल है। किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैग रहित विद्यालय मनाने का निर्णय लिया है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आंसर ए मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में आगामी नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 1 से 12 तक के स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैग लेस स्कूल मनाने का फैसला किया है। यह निर्णय छात्रों के तनाव को कम करने के लिए लिया गया है तथा ये राज्य में संचालित सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। अगला प्रश्न, ट्रेनों में प्री ऑर्डर खाना उपलब्धता के लिए IRCTC ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ए डोमिनोज, बी स्विगी, सी जोमैटो, डी उबर ईट्स। आंसर बी स्विगी। एक्सप्लेनेशन, IRCTC ने अपने ई कैटरिंग पोर्टल के माध्यम से यात्रियों के प्री ऑर्डर फूड डिलीवरी के लिए स्विगी के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के अनुसार जल्द ही देश के कई स्टेशन पर यात्री इसे आसानी से स्विगी से खाना ऑर्डर कर पाएंगे।
शुरुआती दौर में ये सुविधा देश के 4 स्टेशन बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशनों पर शुरू होगी। अगला प्रश्न, भारतमाला परियोजना के लिए किस राज्य में 182 किलोमीटर लंबी क्षेत्रीय रिंग रोड परियोजना का विस्तार किया जाना है? ए दिल्ली, बी पंजाब, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। आंसर सी तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन, NHAI ने भारतमाला परियोजना चरण 2 के तहत तेलंगाना के क्षेत्रीय रिंग रोड के 182 किलोमीटर दक्षिणी हिस्से को मंजूरी दे दी है। भारतमाला परियोजना देश में आर्थिक गलियारों, दूसरे देशों की सीमा से सटे इलाकों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के इरादे के साथ साल 2017 से बड़ी एवं चौड़ी सड़कों तथा हाईवे राजमार्ग के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक परियोजना है। अगला प्रश्न, शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ए यूनाइटेड किंगडम, बी इटली, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी फ्रांस। आंसर डी फ्रांस। एक्सप्लेनेशन, प्रख्यात लेखक और कांग्रेस नेता शशि थरूर को मंगलवार को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया है। फ्रांसीसी दूतावास ने एक बयान जारी किया और बताया, सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार भारत फ्रांस संबंधों को गहरा करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता और फ्रांस के लंबे समय से मित्र के रूप में डॉक्टर थरूर के अथक प्रयासों के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने शहरी स्वच्छता नीति शुरू की है? ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। आंसर बी उड़ीसा। एक्सप्लेनेशन, उड़ीसा सरकार ने सभी के लिए समावेशी, न्यायसंगत, सुरक्षित और टिकाऊ स्वच्छता सेवाओं के लिए राज्य के दृष्टिकोण को साकार करने के इरादे से उड़ीसा समावेशी शहरी स्वच्छता नीति 2024 अधिसूचित की है। इस नीति का उद्देश्य स्वच्छता मूल्य श्रृंखला को परिपत्र अर्थव्यवस्था, सामुदायिक साझेदारी, आपदा लचीलापन, शहरी ग्रामीण अभिसरण इत्यादि की आधुनिक अवधारणाओं के साथ एकीकृत करना है। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? ए कृषि, बी कपड़ा, सी पर्यटन, डी प्रौद्योगिकी। आंसर बी कपड़ा। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया। भारत टैक्स 2024 भारत में आयोजित अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी है। अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? ए 2025, 26, बी 2026, 27, सी 2024, 25, डी 2023, 24। आंसर सी 2024, 25। एक्सप्लेनेशन, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटी को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि 2024-25 सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष है। यह निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दोनों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप है। अगला प्रश्न, देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का क्या नाम है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया? ए सुदर्शन सेतु, बी विश्व सेतु, सी द्वारका ब्रिज, डी भारती सेतु। आंसर ए सुदर्शन सेतु। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को गुजरात के द्वारका में ओखा मुख्य भूमि और बे द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले लगभग 2.32 किलोमीटर लंबे देश के सबसे लंबे हस्ताक्षर पुल सुदर्शन सेतु को समर्पित किया। अगला प्रश्न, UAE सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा की अवधि को बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? ए 4 साल, बी 5 साल, सी 6 साल, डी 7 साल। आंसर बी 5 साल। एक्सप्लेनेशन, यूनाइटेड अरब अमीरात UAE की सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा की अवधि को बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म के अनुसार टूरिस्ट के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा UAE में 5 साल तक वैलिड होगा। इसमें वीजा होल्डर्स को 90 दिनों तक एंट्री और एग्जिट की इजाजत मिलेगी। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 के किस नियम नंबर में बदलाव किया है? ए नियम 5, बी नियम 6, सी नियम 7, डी नियम 8। आंसर सी
नियम 7 एक्सप्लेनेशन। केंद्र सरकार ने हाल ही में सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 के नियम 7 में बदलाव किया है, जिसके तहत विवाहित जोड़ों के एक साथी के चिकित्सीय रूप से अनफिट होने पर उन्हें डोनर के एग या स्पर्म का उपयोग करने की अनुमति होगी, लेकिन दोनों में से एक गैमेट शुक्राणु या अंडाणु दंपति का ही होना चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू होंगे? ए. 1 जनवरी 2023, बी. 1 जुलाई 2023, सी. 1 जनवरी 2024, डी. 1 जुलाई 2024। आंसर डी. 1 जुलाई 2024। एक्सप्लेनेशन। भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि देश के 3 नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान 1 जुलाई 2024 को प्रभावी हो जाएंगे। भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, उसकी जगह अब यह नए तीनों कानून ले लेंगे। अगला प्रश्न, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? ए. होमोसेप एकम, बी. रोबोक्लिना 1.0, सी. सैनिटेक प्रो, डी. स्वच्छता एकम। आंसर ए. होमोसेप एकम। एक्सप्लेनेशन। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट, जिसका नाम होमोसेप एकम है, का उद्देश्य देश भर में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है। इसकी क्षमताओं में व्यापक ब्लेड सफाई, ठोस अपशिष्ट डिसिल्टिंग, सक्शन और भंडारण शामिल है, सभी एक डिवाइस में एकीकृत है। अगला प्रश्न, पंकज उधास किस लिए प्रसिद्ध थे? ए. बॉलीवुड आइटम गाने, बी. शास्त्रीय संगीत, सी. गजलें, डी. पॉप संगीत। आंसर सी. गजलें। एक्सप्लेनेशन। अनुभवी गायक पंकज उधास का लंबी बीमारी के बाद 26 फरवरी 2024 को 73 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। पंकज उधास अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध थे, जिनमें नाम से चिट्ठियाँ हैं, मोहरा से, ना कजरे की धार, चांदी जैसा रंग, एक तरफ उसका घर और आहिस्ता जैसे हिट गाने शामिल हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया है? ए. पंजाब सरकार, बी. असम सरकार, सी. गुजरात सरकार, डी. केरल सरकार। आंसर बी. असम सरकार। एक्सप्लेनेशन। असम सरकार ने हाल ही में राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के तहत फैसला लिया गया है। राज्य के मंत्री जयंत मल्लबारुआ ने कहा कि इस फैसले से राज्य में हो रहे बाल विवाह रुकेंगे और अब से असम में कोई भी मुस्लिम विवाह या तलाक रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न, 23 फरवरी को नई दिल्ली में मिस वर्ल्ड इवेंट के कौन से संस्करण की ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी? ए. 51वें, बी. 61वें, सी. 71वें, डी. 81वें। आंसर सी. 71वें। एक्सप्लेनेशन। 23 फरवरी को नई दिल्ली में 71वें मिस वर्ल्ड इवेंट, मिस वर्ल्ड 2024 इवेंट की ओपनिंग सेरेमनी हुई। यह इवेंट 28 साल बाद भारत में आयोजित किया जा रहा है, जो कि आखिरी बार 1996 में हुआ था। यह मिस वर्ल्ड 2024 के सभी कॉम्पिटिशन देश के अलग अलग शहरों में होंगे और फाइनल इवेंट 9 मार्च को मुंबई के जियो कन्वेंशन मॉल में होगा। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए. 11 मई, बी. 12 मार्च, सी. 28 फरवरी, डी. 26 जनवरी। आंसर सी. 28 फरवरी। एक्सप्लेनेशन। हर साल 28 फरवरी को भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस NSD हर वर्ष 28 फरवरी 1928 को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 में मनाया गया था। रमन प्रभाव ये बताता है कि जब प्रकाश किरण अणुओं द्वारा विक्षेपित होती है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? ए. न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, बी. न्यायमूर्ति AM खानविलकर, सी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, डी. सुशील चंद्रा। आंसर बी. न्यायमूर्ति AM खानविलकर। एक्सप्लेनेशन। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AM खानविलकर को देश का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए लोकपाल गठित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के द्वारका में 4150 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? ए. गुजरात, बी. केरल, सी. पंजाब, डी. महाराष्ट्र। आंसर ए. गुजरात।
एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में 4,150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 927 के धोराजी जामकंडोरना कलावाड़ खंड के चौड़ीकरण, जामनगर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और सिक्का थमल पावर स्टेशन में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन FGD प्रणाली की स्थापना की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न, कोलंबिया की सरकार ने किस महासागर में 316 साल पहले डूबे एक जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है? ए अरब सागर, बी प्रशांत महासागर, सी आर्कटिक सागर, डी अटलांटिक महासागर। आंसर, डी अटलांटिक महासागर। एक्सप्लेनेशन, कोलंबिया की सरकार ने हाल ही में अटलांटिक महासागर में 316 साल पहले डूबे एक जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है। यह एक स्पेन का जहाज है, इसका नाम सैन होजे है। बताया जाता है कि इस जहाज के मलबे के साथ 1.66 लाख करोड़ रुपए मूल्य का करीब 200 टन खजाना भी दफन है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का हाल ही में राजस्थान में शुभारंभ किया गया है? ए थाईलैंड, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी मालदीव। आंसर, बी जापान। एक्सप्लेनेशन, भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण आज राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। इस अभ्यास का आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक किया जा रहा है।